बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज हम बनाएंगे मटन सूप। सर्दियों के सीजन में ठंडी से बचने के लिए मटन सूप बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। सेहत से भरपूर ये मटन का शोरबा बहुत ही ताकतवर होता है। घर में बच्चे हो या बूढ़े, सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद सूप है। तो चलिए विंटर स्पेशल ये सूप किस तरह बनाती हूँ देख लेते हैं। मटन का सूप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 600 ग्राम मटन ली हूँ। आप चाहे तो बड़े के गोश्त से भी सूप बना सकते हो। तो इसमें देखिए चाप वाला गोश्त भी है, नली भी है और बोटियाँ भी है, और हड्डियाँ भी ली हूँ मैंने, क्योंकि ये हड्डियों में से जो सूप निकलता है ना तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आपके पास कोई भी गोश्त हो आप वो ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि हड्डी वाला हो, क्योंकि हड्डियों में से जो सूप निकलता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मेरे पास 600 ग्राम मटन है, तो चलिए इसका सूप बना लेते हैं हम। सूप बनाने के लिए गैस पे कुकर रखा है, उसमें एक चम्मच तेल डालेंगे। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बस हमको प्याज और थोड़ा सा खड़ा मसाला फ्राई करना है, इसीलिए एक चम्मच तेल। और तेल गर्म हो जाए उसके बाद हम खड़े मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच काली मिर्चें है, 3 लौंग है, 1 तेज़ पत्ता है जिसको मैंने तोड़ कर ले ली हूँ, और 1 चम्मच ही अक्खे धनिए। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, तो ये डाल देते हैं खड़े मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लेते ताकि खड़े मसालों का फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। खड़े मसाले फ्राई हो गए हैं। अब देखिए एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक काट कर ली हूँ, तो ये डाल देंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा नरम कर लेना है, क्योंकि क्या होता है सूप वगैरह अगर हम बनाते हैं ना तो प्याज गलती नहीं है और मुँह में आती है तो बच्चों को पसंद नहीं आता है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसे नरम कर लेंगे प्याज को, ताकि अच्छे से ये ग्रेवी की तरह हो जाए और थोड़ी प्याज गल जाए। ये देखिए प्याज हल्की सी नरम हो गई है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है बारीक टुकड़ों में कटा हुआ, ये भी डाल देते ताकि टमाटर भी हमारा अच्छे से नरम हो जाए। साथ ही में मटन के हिसाब से नमक डाल देते, तो नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। टमाटर नरम हो गए हैं, अब इसमें मटन डाल देंगे। तो मटन को मैंने अच्छे से धोकर ले लिया है, साथ ही में 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। 2 हरी मिर्च लिए मैंने, डंडियों के साथ ले लेना है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते, थोड़ा सा हम इसे भून लेते ताकि अदरक लहसुन और गोश्त अच्छी तरह से भून जाए, और जो गोश्त में पानी निकलता है ना उसे हमें सुखा लेना है थोड़ी देर के लिए। हम गोश्त का पानी सुखा कर लेते हैं तो जो मटन में से थोड़ी सी स्मेल आती है वो भी चली जाती है, तो उसका पानी सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए 2 मिनट तक मैंने गोश्त में से जो पानी निकला था उसे अच्छी तरह से सुखा लिया है। अब यहाँ पर डालेंगे हम 1 वादिया का फूल और आधा चम्मच काली मिर्च लिए, तो इसका पाउडर बना लेना है। काली मिर्च से थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट आएगा, थोड़ा सा तीखापन आएगा, और वादिया के फूल से खुशबू अच्छी सी आ जाती है। तो पहले से ही मैंने दोनों का पाउडर बना कर रख लिया है, तो ये पाउडर डाल देते हैं। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा ही डाल रही हूँ मैं। हमने हल्दी पाउडर और हरा धनिया डाला है, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है हरा धनिया का। अब इसमें पानी डाल देते हैं हम, क्योंकि गोश्त को हमें यह गलाना है और इसका सूप बनाना है। तो अभी यहाँ पर मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया है, इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अभी ये गोश्त गलेगा तो पानी कम ही होने वाला है, और हम इसका सूप बना रहे हैं तो पानी भी चाहिए, यानी जो इसका शोरबा होता है मटन का वो भी चाहिए। तो पहले 3 गिलास पानी डालकर हम इसे उबाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे शोरबा किस तरह से हमें बढ़ाना है। कुकर का ढक्कन बंद करके हमें 6 से 7 सीटियाँ अच्छी तरह से ले लेनी है, क्योंकि गोश्त को हमें ओवर कुक करना है, यानी बहुत ही अच्छी तरह से गला लेना है, ताकि हड्डी में से अगर गोश्त छूट जाएगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इसका शोरबा ही पीना है। हम इसका सूप बना रहे हैं मटन का, इसीलिए गोश्त को हमें ज़्यादा गलाना है। तो अब मैं कुकर का ढक्कन बंद कर देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मीडियम फ्लेम पर इसे गला लेते हैं। यहाँ पर 10 से 12 कुकर की सीटियाँ हो गई है, और मैंने गैस बंद कर दिया, प्रेशर सारा निकल गया है। तो चेक कर लेते हम गोश्त को, तो थोड़ी की सीटियाँ मैंने ज़्यादा ही ली है कुकर की, क्योंकि गोश्त को हमें बहुत अच्छी तरह से गलाना था। पहले तो आप देख लीजिए, मैंने प्याज, टमाटर और जो भी मसाले डाली थी
वो कितनी अच्छी तरह से गल गए हैं, ये देखिए। तो इस तरह से पिघल जाना चाहिए। और गोश्त को भी चेक कर लेते हैं हम, ये देख सकते हो आप कि हड्डी में से गोश्त अलग हो रहा है, नली में से भी हड्डी बोटी अलग हो चुकी है। तो कितनी अच्छी तरह से मैंने गोश्त गलाया है, फिर भी एक बार आपको चेक करके बता देती हूँ गोश्त को। तो देखिए गोश्त कितनी अच्छी तरह से गल गया है हमारा, ये देखिए। तो देखिए इसी तरह से अच्छा गला हुआ गोश्त चाहिए, तभी जाके हमने जो नली डाली है, चाप डाली है, हड्डियाँ डाली है, उसका जो स्टॉक है हमारे सूप में आ जाएगा। तो फिर से मैंने गैस इसमें चालू कर दिया है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मटन का स्टॉक जो है इतना है। तो आपके फैमिली मेम्बर के हिसाब से आप इसमें शोरबे को बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पर शोरबे की क्वांटिटी बढ़ा रही हूँ। तो इसमें पानी डालना है, तो पानी ठंडा नहीं डालना है, पानी को गर्म करके डालना है। तो एक से डेढ़ गिलास मैं गर्म पानी इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि ये शोरबा जो है पतला ही पीने में अच्छा लगता है। अब गैस की फ्लेम तेज़ कर देंगे हम, और इस टाइम पर आप चाहे तो इसमें जो हमने तेज़पत्ता हरी मिर्ची डाली थी उसको निकाल भी सकते हो। तो यहाँ पर नमक को टेस्ट कर लें, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा पानी गर्म करके डाला है, थोड़ा नमक कम लग रहा है। तो मैं इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं। और 8 से 10 मिनट के लिए इसे तेज़ आंच पर अच्छी तरह से उकालना है, यानी उबालना है, तभी जाकर हमने जो अभी गर्म पानी डाला है ना, तो पूरा पूरा फ्लेवर हमारे ये मटन के स्टॉक में आ जाएगा। तो 8 से 10 मिनट के लिए मैं इसे अच्छी तरह से उबलने देती हूँ। तो यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो गए हैं, और देखिए अच्छी तरह से इसमें उबाल आ गया है। तो आप देख सकते हो कि पूरा पूरा हमारे गोश्त का फ्लेवर ये मटन के स्टॉक में आ गया है। तो ये गर्मा गर्म सर्दियों का स्पेशल मटन का सूप है। आप इसे बनाकर अपने बच्चों को, फैमिली मेम्बर को बनाकर ज़रूर पिलाएं, ये बहुत ही हेल्दी और ताकतवर होता है। तो इसे बनाना तो बनता ही है, क्योंकि हम सर्दियों में अक्सर सभी सब्जियां खाते हैं, लेकिन इस तरह से मटन का सूप भी बनाकर पीना चाहिए। तो चलिए गर्मा गर्म इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। गर्मा गर्म मटन सूप को मैंने डिश आउट कर लिया है, और उसके साथ देखिए ऊपर से डालने के लिए हरी प्याज बारीक कटी हुई रखी है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, और बारीक कटी हुई अदरक को ले ली है, थोड़ा सा यहाँ पर नींबू का रस भी डालेंगे हम, थोड़े पुदीने के पत्ते हैं। तो ये सब चीज़ें डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऊपर से टेस्ट बढ़ाने के लिए डाल भी सकते हो, और नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं। ये सूप ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना ज़बरदस्त बना है कि आप इसे पियोगे तो आपको ताकत भी मिलेगी और सेहत भी मिलेगी, और घर में सभी को पसंद आने वाला है। तो आप चाहे तो इसकी जो बोटियाँ है उसे भी निकाल कर खा सकते हो, गरम-गरम सूप को भी पी सकते हो। तो एक बार इस मटन के सूप को बनाकर ज़रूर ट्राई करना।